जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहा हूँ जो कि मेडिकल से संबंधित है। गाइस, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबका बहुत ही काम आएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो के दौरान आपको कुछ अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ गलती हो सकता है, तो आप लोग उसको दरकिनार करके कुछ समस्या होने से उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आज एक ऐसा टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जिसका सामना ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं, पर उनको उसका हल ठीक से पता नहीं है कि उसको किस तरह से उसको उससे बचा जा सके। तो गाइस, टॉपिक है फिंगरप्रिंट मिसमैच, जिसको आप लोग बायोमेट्रिक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी में आप लोग कहीं भी एंटर करते हो तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, बिना फिंगरप्रिंट को आपको कहीं भी एंट्री नहीं दिया जाता, जो कि एसएससी जीडी का अभी फिजिकल रिटर्न सब कुछ क्लियर हो गया है, तो बाकी अभी मेडिकल है जो कि आप लोगों का अंतिम पड़ाव है, जिसमें बायोमेट्रिक का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो गाइस, आप लोग वीडियो को दरकिनार मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का कोशिश करिए। तो गाइस, फिंगरप्रिंट होता क्या है, बायोमेट्रिक क्या है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे अभी आप लोग सभी मेडिकल के इंतज़ार कर रहे हैं, हाल ही में हो सकता है 2-5 दिन या 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है कि आप लोगों का मेडिकल का डेट आ जाए। तो गाइस, जब आप लोग अपना मेडिकल का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे सेंटर में, तो आप लोगों का एंटर करते ही सबसे पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जो कि आपका फिंगरप्रिंट टेस्ट है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि कैंडिडेट आप ही हो या कोई और आपके बदले में आ गया उसके बारे में पता चल सके, तो इसलिए फिंगरप्रिंट मैच करना बहुत ही जरूरी है। गाइस, एक चीज़ हमेशा देखा जाता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं, जिनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और ये फिंगरप्रिंट मिसमैच होने का वजह क्या है, और अगर आपका फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाता है तो आप इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई किया जाता है जो आपके रिलेटेड है, तो ये मैं पूरे विस्तार से बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक मैच नहीं करने से क्या होता है। तो गाइस, बात करते हैं पहले से। अब जैसे ही इंटर करते हैं मेडिकल सेंटर में, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ समय के लिए बैठा दिया जाएगा लाइन में, जो कि वो प्रोसेस का हिस्सा है। लाइन में बैठाने के बाद आप सबका सीरियल वाइज, जो कि आपका रोल नंबर वहाँ पर दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। जैसे जैसे आप लोग सीनियरिटी में बैठोगे, फिर एक से लेकर दस तक या फिर 1 से लेकर 30 तक, उसके हिसाब से आप लोगों का सबसे पहले बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो जब आप लोग बायोमेट्रिक देने के लिए जाएंगे, भगवान करे आप लोगों का पहली बार में बायोमेट्रिक क्लियर हो जाए। अगर किसी का बायोमेट्रिक में दिक्कत आती है तो उनको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनको वहाँ से कुछ कार्रवाई कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं है, उनको बार बार देखा जाएगा। जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है उनको बार बार देखा जाएगा कि अगर हो जाता है तो अच्छा है, फिर भी कोशिश करेंगे। वहाँ 10 से 15 बार कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बायोमेट्रिक मैच हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो वहाँ पर कागजी कार्रवाई होता है, जो आपका हार्ड कॉपी में किया जाता है, जिससे कि आपको फिर से बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। हो सकता है कि आप उस बैच के साथ मेडिकल में शामिल ना हो पाए, पर आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका मिसमैच हो जाएगा तो आप निकाल दिए जाओ, ऐसा नहीं है। आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिया जाएगा, पूरा ठीक से चेक किया जाएगा, फिर आपका कार्रवाई दोबारा किया जाएगा। तो अभी बात कर रहे हैं इससे बचने के लिए जो उपाय होते हैं। तो देखिए, ये जो आपका उंगली है,
अब कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका जो चमड़ी होता है वो खींच जाता है, और जो आपका ये है, जब उसको अब ये करते हैं मशीन में, तो ये आपका जो यहाँ पे ये है, तो आइए गाइस अभी हम बताने वाले हैं कि अगर आपका बायोमेट्रिक का इशू होता है तो आप कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। तो देखिए आज अब हमको समझा रहे हैं, ये जो उंगली आपका है, पांच उंगली है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि आप सबको पता ही है बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप कुछ काम ऐसे करते हैं जिसका ये आपका घिस जाता है। ये सबसे मेन रीज़न है जो आपका बायोमेट्रिक मिसमैच होता है, या तो फिर आपका बायोमेट्रिक ठीक से नहीं आता है। तो आप अभी जब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो जाता है, तो आप कोशिश करिए जब ऐसा कुछ काम नहीं करना है जो आपको बायोमेट्रिक में इफेक्टिव हो, जैसे बालू बिल्कुल नहीं टच करें, सीमेंटिंग चीज़ें से दूरी बनाए रखें, और हो सके तो रोज सोने से पहले बोरोप्लस या वैसलीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑयली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप हाथों में, ताकि आपको बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस जो चूँकि आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं शायद उतना अच्छी तरह से ना बता पाऊँ, फिर भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि मेरा अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम रहा, और मैं ज़्यादा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के जानकारी के हिसाब से कुछ कह रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को फॉलो करें, और कुछ भी और जानने के लिए हो SSCGD के बारे में, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और मैं आप लोगों का अच्छे भविष्य का कामना करता हूँ, और आगे और ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी इसका मदद मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।